नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार छात्रों का आरोप रहता है कि इसमें धांधली होती है। इसके खिलाफ छात्र भी लगातार सड़क पर उतरते हैं, वही इसमें छात्र भी कम नहीं हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 11 स्कॉलरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 11 स्कॉलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर एयरपोर्ट थाने भेज दिया है। आपको बता दें कि काउंसलिंग के दौरान इन अभ्यर्थियों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया था, जिसके कारण पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आशु लिपिक की परीक्षा के काउंसलिंग के दौरान 142 छात्रों को बुलाया था, जिसमें 4 छात्र अनुपस्थित रहे। वही 11 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक यानी थंब मैच नहीं किया। आगे क्या खबर है आपको हम बताते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आशु लिपिक की नियुक्ति के लिए मंगलवार को काउंसलिंग के लिए 182 छात्रों को आमंत्रित किया था। इसमें 4 छात्र अनुपस्थित रहे, जबकि 11 छात्र ऐसे पकड़े गए जिनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मिलान नहीं हुआ। मिलान नहीं होने के कारण आयोग की ओर से 11 आरोपितों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज कराया गया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों को पकड़ लिया। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति एजेंसी के द्वारा ली जाती है, इसमें आयोग का कोई काम नहीं होता है। पूर्व की उपस्थिति और अभी की उपस्थिति को मिलान कर मैच नहीं किया गया, जिसकी वजह से 11 छात्रों को पर प्राथमिकता दर्ज कराई गई। जिन अभिभावकों को कुछ भी कहना है, ये अपनी बात पुलिस के समक्ष रख सकते हैं। वही अभिभावकों का आरोप था कि गलत तरीके से छात्रों को फंसाया जा रहा है, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर फिलहाल एयरपोर्ट थाने में भेज दिया है। वही माना जा रहा है कि जिस तरह से फर्जी मुन्ना भाई परीक्षा और काउंसलिंग तक पहुँचे, उस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। पुलिस का मानना है कि इस गोरख धंधे के कोई बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के आशु लिपिक की परीक्षा के काउंसलिंग के दौरान बीपीएससी ने 182 छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, लेकिन इसमें 4 छात्र अनुपस्थित रहे और 11 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं किया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।